हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइस 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 मोशी भाई का आ गया जी व्लॉग। एक और कहां पर घूम रहे हैं जी हमारे पाकिस्तानी भाई, बेंगलुरु फूड टूर। अच्छा बेंगलोर का भाई फूड टूर पूरा। अच्छा लगता है इंडिया पूरा खा के आना है भाई। अब बहुत चीजें खा रहे हैं। अच्छा इनके मोस्टली व्लॉग्स है। अच्छा कुछ वैसे भी कुछ लोग बहुत फूडी बहुत शौकीन होते हैं खाने के, लवर होते हैं। तो भाई के जो व्लॉग है ना इंडिया में जाके, वो फूड के ऊपर भाई खूब उन्होंने जोर दिया हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, क्रामा रेस्टोरेंट एंड आइसक्रीम। क्रामा क्रामा, अच्छा बेंगलुरु में कोई क्रामा रेस्टोरेंट है। और भाई के पीछे मुझे पता है क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, अरेबिक कराची पंजाबी। हाँ तो ये जरा इंटरेस्टिंग होगा व्लॉग आज का, तो देखने वाला होगा कि भाई इधर क्या है। ये देखिए पीछे अरेबिक कराची पंजाबी। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग बिना किसी देर के। तो हियर वी गो भाई, अब हम पहुंचे हैं क्रामा कराची पंजाबी कुजीन। बेंगलोर में कराची पंजाबी के नाम से भाई एक रेस्टोरेंट जो कि बड़ा ही फेमस है, वहां पे आए हुए हैं। तो पहले तो मैं भी देख के चकरा गया ये क्या सीन है, फिर मुझे बताया ये बड़ा फेमस जगह है। तो हम यहाँ जाते हैं और जाहिर है जाने के लिए आए हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिशेज ट्राई करेंगे, क्योंकि कराची का तो हमें एक्सपीरियंस अब सारी ज़िंदगी का ही है। तो देखते हैं तो यहाँ पे टेस्ट उससे कितना मैच होता है, कितना दूर है। तो डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। कोशिश करेंगे कि अंदर एम्बियंस वगैरह भी दिखाएँ। लाइट कम है, अगर वीडियो थोड़ी सही ना बने उसके लिए माजरा। मेरे चैनल को फिर कहूँगा लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है। तो आ जाएं अंदर, आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट। अगर आपने जाना है तो उसके लिए वुडन काम हुआ हुआ है, हर जगह जबरदस्त लुक दी हुई है। ओए होए 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 साजी, कमाल ही एंबियंस है यार, मजा है। तो यहाँ का एम्बियंस और एनवायरनमेंट एक पर्शियन टच दे रहा था, पर्शियन लुक दे रहा था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लुक्स वेरी नाइस यार, डिफरेंट सॉसेज हैं। मेरे जहन में था कि डिफरेंट वेजिटेबल्स होंगी, लेकिन ये अलग ही कुछ है। अरेबिक जो अरब में खाते हैं, हुमस है। ये क्या भाई, दज्जाल? अबे दज्जाल तो दज्जाल दज्जाल तो वो है गुरु गुरु गुरु। ये वेजिटेबल चटनी है, बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया हुआ। तो ये हम फिर कबाब के साथ ही खाएं, चमचे से कैसे खाएं? टाटर, हाँ कबाब के साथ भी खा सकते, समझ गया। ये छोटी छोटी साथ इन्होंने ब्रेड्स दी हैं, इसे ट्राई करते हैं, क्योंकि वैसे तो कबाब के साथ खाऊंगा मैं, जो सीख कबाब मंगाया। ये हुमस है, फ्रेश हुमस बनाया हुआ, अच्छा थोड़ा सा हम टेस्ट करेंगे। पता नहीं क्या नाम बताया था इसका, फुबूस। अच्छा भाई अच्छा। और ये गाजर क्रिस्पी क्रंची के लिए कोई वेजिटेबल सी है, उसके साथ लेंगे हुमस, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये। ये देखें ऐसे बना के, वो वाली वाइब आने लगी है। ओए 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 यार, देखने में बड़ा सादा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा था, क्रंची वाला भाई, सारे नंबर इसके चेंज कर लिए भाई। नहीं बहुत अच्छा लगता था, पता नहीं किस चीज का बनाया हुआ है। कोई वेजिटेबल है? अच्छा अच्छा, कोई पोटैटो, स्वीट पोटैटो। उसके साथ ये है, सारे नंबर इसके हैं, सारा मिक्स करके खाओ तो हला। अब देखते हैं कबाब के साथ ये सब कैसा लगता है। तो कबाब का
ये जो सॉस है, ये वाला, ये जो सॉस है असल गेम इसकी है, लेकिन हमने सैलेड इसलिए मंगवाया है कि उनके साथ हम कबाब वगैरह भी ट्राई करेंगे। हाथ गंदे हो जाएं, काम पूरा होना चाहिए। ये लिया, ये क्रिस्पी वाला ऊपर डाला, जो ऑनियन, वो जो है स्वीट पोटैटो, सॉरी नॉट ऑनियन। बकरा जिंदा हो गया भाई। पता लगा मटन खाया। नंबर वन, हर चीज के साथ ये होना चाहिए। तो यार रोटियां मैंने नहीं मंगवाई, रोटियां ऑल दो इन्होंने दी नहीं है। ये देखें, रोटी का पूरा इंतज़ाम है। तो वीडियो बनाते हुए मैंने कहा पहले ये टेस्ट कर लें, बाद में हम रोटी खाते हैं। तो उम्मीद है आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। ये मेरी रिकमेंडेशन है, करामा में लाजमी है। करामा की फ्रेजर टाउन ब्रांच में बहुत ही अच्छे एम्बियंस हैं, लाइव आपकी ट्रैफिक देखे। वैसे तो गाड़ी में जा रहे होते धुआं मट्टी होती है, बड़े साफ़ सुथरा माहौल है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। दरख्त लगे हुए हैं, पुराना माहौल है, लाइटिंग शाइटिंग और हवा चल रही है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी है, सर्विस इनकी आउटस्टैंडिंग है, और यहाँ के मैनेजर स्पेशली और जो स्टाफ है, तो मैं बहुत हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। तो ज़रूर आएँ और अपने कॉमेंट बॉक्स में सजेशन भी दें। अच्छा भाई, ये इनका बारबेक्यू कॉम्बो है यार, बड़ी ही ये ऐसे जो लाइव सी चीज़ है। और ये क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखें, ये जो है ना, इस पे कोयले रखेंगे अंदर, इस पे और ऊपर करना भाई, और इसके अंदर कोयले रखेंगे, और ये लाइव जो कॉम्बो है ना आपका, वो उस पे आएगा। ये देखो भाई, ये लाइव कोयले रखते हैं इन्होंने, और ये भी इन्होंने हमें कहा ऑर्डर करने को, लेकिन यार हम ज़्यादा खा नहीं सकते, तो हमने इनकी दूसरी चीज़ें ऑर्डर की। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें हमने ट्राई की हैं जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। वाह भाई वाह, ओए यार ये देखो कौन भी है, तो बहुत आला यार, ये लाजमी ट्राई करें आप। तो इसके बाद में हम साथ ही मौजूद क्रीम केमिस्ट्री नामी एक शॉप पे गए, जो कि आइसक्रीम और शेक्स के हवाले से बहुत ही फेमस है। क्रीम केमिस्ट्री नाम देखा, क्रीम केमिस्ट्री आपने सुना होगा, शाहरुख और काजल की बड़ी अच्छी है। आज हम क्रीम की केमिस्ट्री देखते हैं, हमारे साथ अच्छी है या नहीं, तो आपको बताते हैं। बड़ी मेन यार, ये फ्रेजर टाउन में मौजूद है हम, बड़ी ही बला की लोकेशन है भाई। थ्रू आउट मेरे ख्याल 5-7 किलोमीटर तक खाबे ही खाबे, खाने ही खाने। पहले मैं सोच रहा था मैं फ्रेजर टाउन पूरा कवर करूं, फिर मुझे पता लग गया कि मुझे यहाँ मूव होना पड़ेगा, तभी मैं कवर कर सकता हूँ। तो देखे ना, फ्रेश पता नहीं सिग्नेचर और पीछे क्या क्या चीज़ें हैं यार। तो चलो क्रीम केमिस्ट्री चलते हैं। अच्छी बात यह है कि अभी अभी रात शुरू हुई है, लेट नाइट नहीं है, तो खाली है इनकी दो तीन। ये भाई आप समझ रहे हैं, ऐसे ही है डिजाइन, लेकिन अभी चेक करें, ये इस चीज के पैसे हैं सारे। ये आपने अकेले ही ट्राई कर लिया है ना। आइसक्रीम भी ऐसे रख के दे रहे हैं, देखिए कुछ शीख कबाब है। ये देखिए आइसक्रीम कबाब भी इसका नाम हो सकता है भाई, ऐसे है ना, आइसक्रीम कबाब। नेक्स्ट लेवल नहीं है भाई, एक ऊपर डेट डाली, ये 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 ओए 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 ओए, ये कुछ नेक्स्ट लेवल नहीं है। अभी आप लोग हॉल में अकेले अकेले ये खा गए ना, बादाम कैशू, ओए 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 यार, वो क्या था यार, नाइट वो थी, बिल्कुल बाकी टेस्ट बहुत अच्छा। वो क्यों डाली, ताकि ठंडा रहे। लो भाई आइसक्रीम कबाब तैयार हैं,
ये डेट पहले डेट के बगैर खाते हैं और ये साथ जो आलमंड शालमंड सारे डाले हुए हैं। ओए यार यार कसम से जब वो बंदा मुझे कह रहा था ना जो ओनर कि भाई ये टेस्ट आप पहली दफा खाएंगे अनबिलीवेबल सही कह रहा था यार वो। बटीन को मैं दूंगा 10/10, इसको मैं दूंगा 7/10। 7 सिर्फ इस चीज से कि मीठा थोड़ा सा ज्यादा है, अदरवाइज ये 9/10 था। एक सिप और फिर तो भाई क्रीम केमिस्ट्री वॉल पे मेरा नाम भी परमानेंटली टैग कर दिया गया है। तो भाई ये सब खाने के बाद हमने रक्षे वाले भाई से कहा हमें एक बहुत ही मजेदार चाय की जगह पे उतार दो जो कि बहुत ही फेमस हो। हाँ जी भैया हम आ गए हैं भाई द वन एंड ओनली सवेरा चाय वाले। सवेरा चाय भाई बड़े दूर से लोगों ने बताया इनकी चाय बड़ी फेमस है, पीने आए। इनके पास समोसे हैं, पकोड़े हैं, अलग अलग आइटम्स हैं, कड़ा हुआ दूध है, आजकल तो वो इंडिया में सारी आइटम मौजूद है। हम पीने आए चाय, क्योंकि हमने आगे बहुत कुछ खा लिया। तो चाय पीते हैं फिर देखते हैं कि बेंगलोर साउथ इंडिया की चाय कैसी, क्या पंजाब की चाय ज्यादा अच्छी है। पीते फिर आपको टेस्ट करवाते हैं। ओ हमेशा गलत बोल देते हो, टेस्ट करवाते हैं आपको, टेस्ट का रिव्यू देते हैं। आज एक चाय देना, चाय चाय वाला बिजी है, बिजी। समोसे देख सकते हैं, ये देखो ये क्या चीज है भाई, ये क्या है? बादशाह। ओए बादशाह पता नहीं क्या चीज है, ये पहली दफा देखी है भाई। ये भी कुछ है, इसका क्या नाम है? लोंड बोलते हैं ना, स्वीट पूरी बादशाह समोसे। ये पता नहीं क्या है यार, ये पहली दफा बेंगलोर आई हूँ भाई। ये क्या है? हलवे का पूरी। ये स्वीट पूरी हलवे का पूरी, ये फेनी। हाँ ये फेनी जैसा लग रहा है ये। और ये क्या है? फ्राई चिकन बर्गर। अब चाय पियेंगे, चाय का रिव्यू देंगे, ये चीजें बाद में खाएंगे भाई। ये वो मास्टर बंदा है चाय का भाई, ये बंदे ने दावा किया था चाय पियो तो अच्छे ना लगे पैसे मत देना। ये अभी भी पैसे मत दो, नहीं नहीं पैसे 100% मैं बोल रहा हूँ आपको, अच्छी या बेस्ट लगी होगी। इसके बाद डबल पैसे बनते हैं। सवेरा एक ही है, पूरे भाई लोग की है। सवेरा एक ग्रुप है, तो भाई लोग पूरे ब्रांचेस खोल के रखे। सवेरा असली तो कोई नहीं, नहीं सवेरा का एक ही है, और वो सवेरा में उनका लोगो जो है ऊपर लगा हुआ है। हाँ वो लोगो जो कहीं पर भी मिले तो समझ लेना सवेरा वही है। तो भाई कोई भी सवेरा है वो इनके भाई कजन मामे चाचे सब पूरा खानदान में हाँ मिलके ऐसे ही बना रहे। कहीं से भी पिए टेस्ट यही मिलेगा। ऊपर नीचे नहीं होता है, हमेशा जब भी आके पियो सेम टेस्ट। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। अब चाय पीते हैं यहाँ छोटे छोटे कपों में। ये एक गिलास छोटा सा, ये कप नहीं है, गिलास है। तो जिस तरह दिल्ली में देखा था यहाँ पे भी वही सीन है। तो पी के देखते हैं, फुल गर्म चाय। बढ़िया यार भाई, कमाल है यार। सवेरा तो दूर से आए हैं हम, एक नंबर है। बहुत आला यार, बहुत मजे की चाय। नंबर वन सवेरा, नंबर वन। अगर बेंगलोर आए सवेरा के, ये अंग्रेजी में ट्राई करेंगे अभी। इसमें टाइम था जब सारी आइटम इंशाल्लाह अगली दफा आपको दिखाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई है और चाहते हैं ऐसी और वीडियो में अपलोड करूं तो उसकी कंडीशन सिर्फ एक है, सिर्फ एक, सब्सक्राइब। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अपना और आसपास वालों का ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ।
तो अब देखो वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए ना, कैसा रेस्टोरेंट उन्होंने बना के कितनी चीजें खरीद ली हैं, आगे प्रॉपर्टी बना ली उन्होंने, मतलब फूड से फूड बिजनेस कोई भी है लेकिन फूड का ये है कि रेस्टोरेंट काफी एक तो बंदे का मतलब टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट हो तो लोग दूर दूर से भी आते हैं और साथ लोकेशन लोकेशन भी मैटर करती है, लेकिन लोकेशन के से अलावा आपका टेस्ट ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि मैंने देखा है कि टेस्ट अच्छा होता है, लोग दूर दूर से, मैंने ऐसी चीजें भी देखी हैं कि ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनकी लोकेशन मैटर नहीं करती, आपको वहाँ पे धूल मट्टी मतलब इस मतलब कच्चा आपको मिलेगा, कि बैकग्राउंड भी कुछ नहीं, कोई इधर उधर देखेंगे तो कच्ची दुकानें भी मिलेंगी, लेकिन उधर का जो लोग टेस्ट है अगर तो लोग जाते हैं खाने के लिए दूर दूर से, हाँ यार वहीं पे जाना है, तो ये चीज टेस्ट जो है ना सबसे ज्यादा आपका टेस्ट जो है वो होता है कि टेस्ट का मतलब कैसा है, कुछ लोग लोकेशन को देखते हैं, जैसे कि आपने अब डेट पे जाना है तुमने तो तुम डेफिनेटली यू विल चूज आवर बेस्ट प्लेस पे जाऊंगा के जहां पर कोई आपको देखे ना, अच्छा एक दफा आई रिमेम्बर्ड के मैं ना एक दफा कहीं पे गया और वहां पे कैमरे लगे हुए थे, वहां पे कैमरे लगे हुए थे, मैंने कैमरे को नहीं देखा, कैमरे ने मुझे देख लिया और नीचे से आवाज आई मुझे, वो मेरा दोस्त था काउंटर पे, उसने मुदस्सर भाई थे वो कहते सज्जाद भाई को ऊपर जाके बोले कि कैमरे लगे हुए हैं, मैंने कहा मैं पता नहीं खा नहीं सही रहा था ना उस टाइम, सही तरीके से खा नहीं रहा था, तो चले गए, ये था आज का वीडियो, और मोची भाई घूमरे जी कैसा लगा वैसे फूड, बहुत आइसक्रीम बहुत मजे की लगी है, चलें बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, टाटा।